बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह किचन में मैं हाजिर हूँ। आज मैं पालक की भाजी बना रही हूँ। पालक की भाजी बनाने के लिए यहाँ पे आधा बंच मैंने पालक की भाजी ली हूँ, उसे साफ़ धो के कट करके रखी हूँ। यहाँ पे चिली फ्लेक्स है, जीरा है और हल्दी पाउडर है। यहाँ पे एक मैं बड़ी साइज़ का भाई प्याज ली हूँ, और बड़ी साइज़ का प्याज मैंने यहाँ पे बारीक के ऊपर फ्राई करना रखी है। उसमें जीरा एक चम्मच डाली हूँ, और बड़ी साइज़ का एक आलू ली हूँ, और प्याज के साथ ही मैं इसके आलू को भाई पकाऊंगे। मैं टेस्ट के हिसाब से डालूंगी नमक। पाव चम्मच डालूंगी हल्दी पाउडर। आधी चम्मच डालूंगी चिली फ्लेक्स। अब इसमें हल्का सा पानी डालूंगी। बारीक गैस के ऊपर इसे आलू को सॉफ्ट होने तक रखूंगी। पांच मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं हमारा आलू सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। तकरीबन हमारा आलू पक चुका है। अब इसमें डालेंगे पालक। अब इसे हम मिक्स करते हैं। पालक भाजी आलू के साथ मिक्स हो चुके हैं। अब मैं 2 मिनट के लिए ढक के रखूंगी, ढक के पकाऊंगी। और गैस को मैं मीडियम पे रखूंगी। 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं गैस ऑफ करती हूँ। भाजी हमारी पक चुके है, अभी मैं सर्व करती हूँ। आप देख सकते हैं आलू और पालक की भाजी बनके तैयार है। आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जैसा कि अल्लाह हाफिज़।